तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। कभी तेरा मुझे छोड़ जाना नामुमकिन हुआ करता था। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। इश्क में बेसब्री कैसी, तेरा हूँ तसल्ली रख। अगर किसी इंसान से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाए तो इसके हवाले से अपनी ज़ुबान को हिफाजत में रखा करो। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है इसके करीब अल्लाह होता है। मैंने हर हाल में लोगों का दिल रखा है, कोई पागल भी बनाए तो बन जाता हूँ। सोचें इंसान को बीमार कर देती हैं। रंग बदलना सिर्फ़ आसमान को ही जचता है। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाजिया आवाज़ है। ये हकीकत है कि हसास लोगों की तकरीबन सारी ज़िंदगी आजमाइशों में ही गुजर जाती है। दिलों में नफ़रतें लेकर किस कदर सादगी से मिलते हैं लोग। ना गिले रहे, ना गुमा रहे, ना गुजारिशें, ना गुफ्तगू। हम दुनिया से कहीं दूर खोए खोए से रहते हैं। कहीं दुनिया के ताने, कहीं अपने बेगाने। फिर ये हयात भी ताहयात थोड़ी है। रंगीन ख्यालों का उलझा हुआ जहाँ, रंगीन ख्यालों का उलझा हुआ जहाँ। जब अकेले सफ़र में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफ़र नहीं होता। कबीरू को ये खौफ था कि खो ना जाए वो, आज अना कहती है कि मुझे चाहिए ही नहीं। ज़िंदगी वो कहानी है जिसमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते। हर बात ही उल्टी है मेरी कहानी में। कश्तियाँ हवा में हैं और चराग पानी में। किसी को खुद से इतना दूर भी ना करो कि वो तुम्हारे बगैर जीना ही सीख ले। इन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। कुरान कहता है, फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान हो जाओगे।